एनएसयूआई हमीरपुर ने जयराम सरकार के हिमाचल सचिवालय में गैर हिमाचली व्यक्तियों को भर्ती करने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान जयराम सरकार होश में आओ के नारों से पूरा सचिवालय गूंज उठा। एनएसयूआई हमीरपुर ने जयराम सरकार के हिमाचल सचिवालय में गैर हिमाचली व्यक्तियों को भर्ती करने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जयराम सरकार होश में आओ के नारों के साथ सचिवालय गूंज उठा। एनएसयूआई प्रभारी अभी शर्मा ने बताया कि ये धरना प्रदर्शन सचिवालय में नियुक्त किए गए बाहरी राज्यों के अधिकारियों को हटाने के लिए किया गया है। धरने प्रदर्शन के उपरांत एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त हमीरपुर को एक ज्ञापन भी सौंपा और धरना प्रदर्शन में करीब एक दर्जन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज हमारा मुद्दे का धरना ये था कि जो जयराम सरकार ने आज प्रेस सेक्रेटरिएट में 16 गैर हिमाचलियों की भर्ती की है, उससे जो हिमाचल अनएम्प्लॉयमेंट धीरे बढ़ेगी उसके पर हमारा मुद्दा था। जयराम सरकार जो सरकार है उन्होंने एचपी सेक्रेटरिएट में 16 जो है वो गैर हिमाचलियों की भर्ती की, जो कि उन्होंने 118 धारा जो है हिमाचल की उससे भी छेड़छाड़ की, जो कि बहुत गलत है। हम जयराम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इसके बारे में कुछ करिए और जो आपने 16 नियुक्ति किए उनको बर्खास्त करिए। और भर्ती हुई तो क्या करेंगे? और भर्ती हुई तो एनएसआई जो होगी उसको स्टेट लेवल पे हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और जयराम सरकार को दिखा देंगे कि छात्र शक्ति क्या चीज है और पूरे हिमाचल में ये रेवोल्यूशन होगा। सब बच्चे जो है वो इकट्ठे होके इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हाँ जी, पुतला को बोला नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, पर हम जहाँ तक हमारे सर है वहाँ तक हम सब कुछ करेंगे। हम हिमाचल में चक्का जाम कर देंगे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा अन्याय हिमाचल के साथ ना हो। केंद्र सरकार ने 370 धारा की दो खंड को गिराया है, जिसका एनएसए पूरी तरह से समर्थन करती है, और हम बोलना चाहेंगे और हम ये बोलना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, पर शांति बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयास करें।